गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्राफ्ट करने वाले हैं। तो क्राफ्ट में हमें क्या बनाना है? आज हम क्राफ्ट पेपर से हाउस बनाएंगे। तो आपकी जो क्राफ्ट की बुक है उसमें आपको हाउस बना के स्टिक करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कोई भी स्क्वायर क्राफ्ट पेपर, कोई भी कलर का चलेगा। अगर आपको क्राफ्ट पेपर कोई भी कलर का नहीं लेना है तो न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन का पेपर होता है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे बनाना है? स्क्वायर पेपर जो होता है उसको यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, सेंटर की हमें लाइन मिलनी चाहिए, ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको वापस खोल देना है। और ये जो बीच में लाइन बनी है उसके लेवल में दोनों साइड से हम ये आप जो फोल्ड कर रहे हो ये लाइन के लेवल में आपको फोल्ड करना है, ऐसे दोनों साइड से आपको ऐसे फोल्ड करना है। और आप जब फोल्ड करते हो तो फोल्ड करने के बाद आपके हाथ से ऐसे लाइन बना देनी है, तो ये प्रॉपर फोल्ड हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, ये जो ऊपर का पार्ट है उसके पीछे हमें ऐसे उल्टा कर देना है ये वाला पार्ट, और फिर से ऐसे फोल्ड करना है। ये जो खुला पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए, आपको ख्याल रखना है, आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना है। ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं ना वो ऊपर होने चाहिए, वैसे आपको फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको वापस खोल देना है, क्योंकि हमें ये बीच वाली लाइन चाहिए सेंटर में। तो ये जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल वैसे ही सेंटर में ये जो लाइन बनी है उसके लेवल में फिर से वापस हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे दोनों साइड में से। यहाँ से फोल्ड किया, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब चिपचॉप बनाते हो क्लास में, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, बस ये बिल्कुल वैसा है चिपचॉप जैसा है, लेकिन आगे का जो स्टेप है वो थोड़ा अलग है। अब ये चार कॉर्नर हमें मिल गए, अभी उसके बाद क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो पार्ट है वहाँ पे टू एक लाइन दिखती है बीच में, और यहाँ पे हमें चार पार्ट दिखते हैं, स्क्वायर दिखते हैं चार। तो ये जो लाइन है आप जब फोल्ड करते हो तो आपके हाथ की तरफ ये लाइन सीधी होनी चाहिए, आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी करने में। तो आप जब फोल्ड करते हो तो आप इतना ख्याल रखो कि ये जो लाइन है सीधी होनी चाहिए आपके हाथ के लेवल में, ऐसे फिर इसको ऐसे उल्टा करना है। फिर क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर पकड़ के उसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे आप खींचोगे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ खींचने के बाद क्या कर देना है, ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा पूरा, बाहर खींचने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और फिर ये जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल वैसे ही आपको रिपीट करना है, ये पार्ट हमको ऐसे पकड़ना है, ऊपर की तरफ खींचोगे तो ऐसे ट्रायंगल ये पार्ट बाहर तक की तरफ निकलेगा, और फिर ऐसे फोल्ड कर देना है। अब जब एक बार ट्राई करोगे तो शायद नहीं होगा, तो दो तीन बार आप ट्राई करके फिर करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन सीधी होगी तो ही होगा, अगर आपने ऐसे किया और फिर ये पार्ट आप ऊपर की तरफ खींचने जाओगे तो ये नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये लाइन सीधी होनी चाहिए, फिर उल्टा करना है और फिर वापस आपको फोल्ड करना है, ऐसे तो ही आपका हाउस प्रॉपरली बनेगा। तो ऐसे हाउस बनाने के बाद यहाँ पे हम ग्लू स्टिक से इसको यहाँ पे ये वाला पार्ट स्टिक कर देंगे, स्टिक कर देना है इधर ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे स्टिक कर देना है। और ये जो हाउस है आपकी जो क्राफ्ट बुक है, मैंने दो हाउस बनाए हैं, आप चाहो तो एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, या फिर छोटी छोटी साइज के तीन भी बना के ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बनाया और दूसरा ऐसे छोटा बनाया, ये उसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। इसको यहाँ पे आपको बुक में फेविकॉल लगा के स्टिक करना है, और ये जो दूसरा है
वो यहाँ पे ऊपर लगाना है। आप चाहो तो स्लीपिंग में ऐसे बुक रख के यहाँ पे अलग अलग, मतलब एक हाउस यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ऐसे भी लगा सकते हो। जैसे विलेज में अलग अलग हाउस होते हैं ना, वैसे आप विलेज का इमेज भी दे सकते हो क्राफ्ट में। फिर बैकग्राउंड में हम ड्राइंग करेंगे और कलरिंग करेंगे, तो ये हमारा क्राफ्ट एकदम अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्केच पेन से, फिर उसमें कलर करना है आपको। विंडो और डॉग ड्रॉ करने के बाद उसमें आपको स्केच पेन से, नहीं तो ऑयल पेस्टल कलर से डेकोरेटिव करना है। यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे तो ये हमारा हाउस ऐसे एकदम ब्यूटीफुल लगेगा। फिर बैकग्राउंड में आपको अगर यहाँ पे जैसे दीवार होती है वैसा अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बर्ड होते हैं तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। फिर यहाँ पे हम पीछे चाहे तो ट्री बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको सन बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो छोड़ दो। आपके पेज में कितनी जगह है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या क्या ड्रॉ करना है। फिर इसमें हम ऑयल पेस्टल नहीं तो स्केच पेन से कलर करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे इसमें पूरे में ट्री में ग्रीन कलर कर देना है। फिर यहाँ पे जो सन है तो सन में आप येलो, ऑरेंज, कोई भी कलर कर सकते हो। चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने येलो कलर, आधे में येलो कलर लिया, फिर दूसरा जो ऑरेंज कलर होता है उससे हम थोड़ा शेडिंग करेंगे। पूरे में येलो कलर करने के बाद बॉर्डर में ऐसे ऑरेंज कलर थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स कर देंगे। वापस से येलो कलर ऐसे करोगे तो ये ऑरेंज कलर उसमें मिक्स हो जाएगा और अच्छा समग्र शेडिंग हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो ब्राउन कलर या फिर ऑकर येलो कलर, कोई भी कलर ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे विंडो में भी ऐसे येलो कलर, लाइट कलर आप करोगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। और फिर यहाँ पे डिज़ाइन में भी रेड यूज़ कर सकते हो, पिंक यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको ये पूरा क्राफ्ट कलर के साथ कंप्लीट करना है। इसमें आपको पूरा ग्रीन कलर ट्री में कर देना है। यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कलर करने की, लेकिन जो फॉर्म्स आप बना रहे हो, मतलब ट्री मैंने बनाया तो ट्री में कलर करना है, सन बनाया तो सन में कलर करना है, वैसे आपको ये क्राफ्ट कंप्लीट करना है। थैंक यू।